हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शंस दे कैटलाइज। अब बहुत सारे तरीके के एंजाइम्स होते हैं, तो उनको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकें। एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू सिक्स क्लासेस। सो एंजाइम्स को बेसिकली छह क्लासेस में हमने डिवाइड किया गया, और हर एक क्लास की 4 to 13 सब क्लासेस भी हैं, नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय अ 4-डिजिट नंबर। अब एंजाइम को जब भी हम एक एंजाइम डिस्कवर करते हैं या फाइंड करते हैं, तो उसको एक 4-डिजिट नंबर, उसके नेम, उसको एक नाम दे देते हैं। 4-डिजिट नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। हमें वो 4-डिजिट नंबर का अभी नॉमेनक्लेचर तो नहीं करना, पर हम उन छह क्लासेस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसिस एंड डिहाइड्रोजेनेसिस। अब नाम से ही पता चल रहा होगा, एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स एस एंड एस डैश। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा पहला एक सबस्ट्रेट है एस रिड्यूस्ड और दूसरा है एस डैश ऑक्सीडाइज। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि जो कंपाउंड हमारा अभी सबस्ट्रेट रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरा सबस्ट्रेट अपना रिड्यूस हो जाएगा। तो वही हुआ कि एस रिड्यूस वाला अपना ऑक्सीडाइज हो गया और एस ऑक्सीडाइज वाला अपना रिड्यूस हो गया। उसके बाद अब अपने सेकेंड कैटेगरी आती है अपने ट्रांसफरेसेस। अब ट्रांसफरेसेस भी आप नाम से ही हम पता कर सकते हैं कि एंजाइम्स कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप जी अदर देन अ हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। अब ये एंजाइम क्या कैटलाइज करेगा, ये कैटलाइज करेगा एक ग्रुप के ट्रांसफर को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक। अब जैसे कि एस के साथ पहले इस सबस्ट्रेट के साथ जी ग्रुप अटैच है, अब ये इस एंजाइम ने कैटलाइज किया और ये जी सबस्ट्रेट एस डैश के साथ जाके कंबाइन हो गया, ये इसका फंक्शन है। तीसरी कैटेगरी आती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस वो एंजाइम होंगे जो कि हाइड्रोलिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। सो दे हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सीसीसी हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स। सो वाटर की हेल्प की मदद से ये हाइड्रोलिसिस करेंगे। फोर्थ अपना आता है लाइसिस। लाइसिस का बेसिक नाम से पता चलता है कि हमने एक मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बेसिकली तोड़ा, मतलब लाइसिस का जनरल मीनिंग होता है तोड़ना। एंजाइम्स दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय अ मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। अब दो चीज़ें हैं कि लाइसिस हाइड्रोलिसिस वाला मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेंगे और जो अपना प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स आएंगे। जैसे कि सी सी है, इसमें एक्स और वाई का बॉन्ड, सी एक्स और सी वाई वाला बॉन्ड टूट गया और एक्स और वाई ने अपना एक बॉन्ड बना लिया और सी सी के बीच में एक डबल बॉन्ड रह गया। तो ये था अपने लाइसिस के बारे में। उसके बाद अपने आते हैं आइसोमेरेसिस। इसके तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, आइसोमेरेस वो होगा एंजाइम जो कि एक सबस्ट्रेट को दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देगा और वो दूसरा सबस्ट्रेट पिछले वाले का ही आइसोमर होगा। इंक्लूड ऑल द एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। आइसोमर्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक या पोजिशनल। तो एंजाइम एक सब्सट्रेट को दूसरे किसी कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा और वो कंपाउंड उसका ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक या फिर पोजिशनल आइसोमर हो सकता है। उसके बाद आते हैं अपने लाइजिसिस। एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, एग्जाम्पल एंजाइम्स विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ COCH-CNPO बॉन्ड्स। हमने लाइसिस और हाइड्रोलिसिस में पढ़ा था कि कंपाउंड टूट रहा था, तो लाइगेज ऑपोजिट हो गया, ये बाइंड करता है दो कंपाउंड्स को। एग्जांपल हमें दिया हुआ जैसे सीओ बॉन्ड, सीएस बॉन्ड, सीएन बॉन्ड, पीओ बॉन्ड, तो ये लाइगेसेस हो गए। हमने आपने प्लस टू, अगर प्लस टू में हमें एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेस, तो डीएनए लाइगेस का फंक्शन ये होता है कि वो दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं, और लाइगेस एक जनरल टर्म की तरह भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अपनी अगली वीडियो में हम को फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा।